पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शर्म आनी चाहिए टीचर्स को। कक्षा 3 के विद्यार्थी को बेसिक ज्ञान कराने के लिए सरकार को कार्यशाला और गोष्ठी करनी पड़ रही है। शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों से नाराज कमिश्नर ने आज गोष्ठी के दौरान कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यदि शिक्षक मात्र 6 घंटे ही शिक्षक बनकर छात्रों पर ध्यान दे ले तो सरकार को किसी भी तरह के अभियान और या कार्यशाला चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षकों की क्लास लगाते हुए आज 20 मिनट के भाषण में कमिश्नर मुरादाबाद ने अध्यापकों से कहा कि प्लीज शिक्षक बनकर काम करें तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और शिक्षा का स्तर भी। आपको बता दें कि ये वही अंजने कुमार हैं जो रामपुर में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करके सुर्खियों में आ चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के द्वारा निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा था जिसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा का ज्ञान होना लक्ष्य रखा गया है। आज मुरादाबाद में निपुण भारत अभियान को लेकर मंडल स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि कमिश्नर अंजने कुमार थे। हम समझते हैं कि वो कैच नहीं करते हैं। हाँ, वो हर एक चीज कैच करते हैं जो आप स्कूल में बैठ के करते हैं और जो बच्चों का रिफ्लेक्शन है वो आपका रिफ्लेक्शन है और आप क्या करते हैं वही बच्चे में आता है। तो जो हमारे बच्चे दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जो आप स्कूल में उन्हें दे रहे हैं। ये 100% सच है। जितने कायाकल्प हम कर रहे हैं, जितनी बढ़िया फोटो लगा लें, जब तक शिक्षक और विद्यार्थी का मेल नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक आप दोनों में कांटेक्ट नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई जगहों में मेरा रहा है, मैं गया हूं। अच्छा, इसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? आप कुल मिला के 15 बच्चे एक क्लास में आने वाले, हर एक बच्चे का नाम भी आपको नहीं पता, कैसे शिक्षक हैं आप? हम कौन सी? और सबसे बड़ी बात यह कि हम इतने बेशर्म हो चुके हैं, आप भी हम भी सब कहते हैं शिक्षा का स्तर गिर रहा है, प्राइमरी स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाता। मुझको चैलेंज करेगा, अपने बच्चे को जरा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा के दिखाइए, आप भी कहते हैं हाँ ठीक ही कर रहा। बीएसए साहब अब इतने सारे कामों में बिजी है कि एक शिक्षा को छोड़ के बाकी हर एक चीज में एंगेज है। जाहिर सी बात है उनके बीएसए साहब भी एजुकेशन को छोड़ के बाकी हर एक चीज में एंगेज है। उनको इस मीटिंग में भी जाना है और रिपोर्ट भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसमें भी दौड़ना है, कोर्ट केस में भी दौड़ना है। हम किस चीज से सीखते हैं वही बच्चे हमारे सीखेंगे। हम इसी से सीखते हैं कि कौन से टीचर ने जुगाड़ करके पूरे महीने का जुगाड़ कर लिया, घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है, उसी की चर्चा सबसे ज्यादा हम करते हैं। देखिए चेन की डेफिनेशन वो वही है। शिक्षा के लिए बेसिकली दो चीजें चाहिए, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला, बस। पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला है, अगर दो हैं तो शिक्षा की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी है, शिक्षा तब ट्रांसफर की जा सकती है। मुश्किल की बात यह है कि दोनों के ड्रॉप आउट रेट बराबर ही है। जितना विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट रेट है उतना ही पढ़ाने वाले का ड्रॉप आउट रेट है। अब हमारा ड्रॉप आउट रेट विद्यार्थियों पे तो हम काउंट करते हैं, दूसरे वाले पे नहीं काउंट। हम दुखों के अथाह सागर में हैं, अथाह सागर में। आप लोगों के परफॉर्मेंस से मैं दुखी हूँ, मुझसे डीएम साहब लोग और सीडीओ साहब लोग दुखी हैं, उनसे बीएसए साहब दुखी हैं, बीएसए साहब से एबीएसए साहब दुखी हैं, उनसे एआरपी और एसआरजी दुखी हैं, और सबसे ज़्यादा एआरपी एसआरजी साहब दुखी हैं, टीचर्स, है ना। हम दुखों के अथाह सागर में और अंधकार में हैं, यही सच है। वरना हमें शर्म नहीं आती कि हम कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान नहीं करा सकते, पढ़ा नहीं सकते, एक पैराग्राफ उनको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करा सकते। कक्षा 3 के विद्यार्थी का मतलब क्या 8 साल का बच्चा? इसके लिए हमें इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा? हमें शर्म नहीं आती टीचर के तौर पर? कैसे टीचर हैं हम? 25 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक, हम कैसे टीचर हैं जिसके लिए इतना बड़ा लंबन करना पड़ रहा है? इतनी लंबी चौड़ी बातें की जा रही है। मैं कक्षा 1 में था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, कैसे पढ़ता था?
मेरा बच्चा 6 साल का है, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, वो चीजें इंग्लिश में भी पढ़ लेता है, हिंदी में भी पढ़ लेता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर लेता है, तो 8 साल का बच्चा हमारे प्राइमरी का, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है? अच्छा ये बताइए, सबसे पढ़ाने में सबसे उम्दा कौन है? मैं, है ना? नहीं, सीडियो साहब नहीं, वो जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो नहीं, कौन? और हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ाना है ना। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और हम नाटक कर रहे हैं और आप नाटक कर रहे हैं, हम पढ़ाने का नाटक कर रहे हैं, आप पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। रिजल्ट कहां है? क्या हम अभी शर्म नहीं करेंगे? हम ABSA SRG ARP अब तो SPG भी लगानी पड़ेगी लगता है, ये सारे लोग कर क्या रहे हैं? कौन सी अपग्रेडिंग आप कर रहे हैं? कि कक्षा 3 का लक्ष्य दिया गया है 2026 का। प्रॉब्लम जानते हैं कहां? प्रॉब्लम वही है जो मैंने रैंडम सैंपलिंग करके बताया था। प्रॉब्लम ये है कि सीडीओ साहिबान ने ये हमें बताया कि हमने लक्ष्य को 150% और 200% प्राप्त कर लिया। उनको किसने बताया कि हमने 150% प्राप्त कर लिया? किसने बताया? आपने बताया होगा, अगर सही मेरे गेसिंग है तो, है ना? टीचर्स ने बताया कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। टीचर्स ने ARP और SRG को बताया, उन्होंने ABSA को बताया, ABSA ने BSA को बताया, BSA ने CDO साहब को बताया, CDO साहब ने कहा हमने प्राप्त कर लिया। अब स्कूल में जाएंगे तो जिस स्कूल में हमने 400 बच्चों को एनरोल किया वहां 40 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। तो जब आप असेसमेंट करेंगे तो उन्हीं 40 बच्चों का असेसमेंट करेंगे ना, है कि नहीं? तो परसेंटेज अपने आप डाउन हो गए कि नहीं? नहीं, सीधा सा गणित है भाई। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आप 50% से ज्यादा का अटेंडेंस बढ़ा पाए कुछ एक विद्यालय को छोड़कर? ना, कोई बड़ी मंगल ग्रह वाली बात तो नहीं कर रहा हूं ना, कोई इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा हूं। लॉजिकल है, 6 घंटे आपके पास और 6 घंटे अपने वातावरण में, वहां कोई उसको नहीं पढ़ाता। और जरूरी नहीं है कि उस 6 घंटे में हर दम किसी ने किसी से इंटरेक्ट करे ही। कभी बच्चा बैठ सकता है, कभी खा सकता है, कभी पी सकता है, कभी बाथरूम जा सकता है। उन सारी चीजों को अगर माइनस करें तो आपके बराबर ही आएगा। मिड डे मील वगैरह सब काउंट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम वही तो काउंट कर रहे हैं, मिड डे मील। अब यूनिफॉर्म गया हाथ से, मिड डे मील, ARP विजिट, SRG विजिट, रिपोर्ट, निपुण भारत की, वो मोबाइल पे भी कुछ देना है, देते देते अचानक से व्हाट्सएप भी देख लेना है, फिर देश की चिंता, फिर दुनिया की चिंता, यूक्रेन पे रसिया ने अपना हमला कर दिया, फिर भाई क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा कल परसों छुट्टी है लेकिन हमारी छुट्टी डिक्लेयर नहीं है, अब बच्चों को तो नहीं बुलाया, हमको बुलाया है, अब कैसे इससे पिंड छूटे, है ना? फिर किसको मैसेज करेंगे तो सबसे ज़्यादा असर होगा, ले आओ सीधे कमिश्नर को मारो, शायद वो छुड़वा दे। इसके अलावा क्या है, हम किसको धोखा दे रहे हैं? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान कराना इतना मुश्किल काम है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ये बताना, हम और आप खेल खेल में पता नहीं क्या क्या सिखा सकते हैं। कक्षा 3 छोड़ दीजिए, कक्षा 1 जो एंट्री करने वाला बच्चा है, 3 महीने के अंदर सब कुछ सिखा सकते हैं उसको। आपको पता है 5 साल से लेके 6 साल तक बच्चे का दिमाग बहुत तेज पकड़ता है, बहुत तेज। 3 साल के मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा, बाली के पिता का क्या नाम था? मैं नहीं बता पाया। मैंने अपने फादर से पूछा जो कि बहुत ज्यादा इसमें दखल लगते, उन्होंने कहा कि बाली के पिता का तो नाम पता नहीं। तो फिर मैंने इससे घुमा फिरा के पूछा, तो उसने मुझसे पूछा, अच्छा दूसरी बात बताइए, ऋक्षराज कौन थे? नहीं, ऋक्षराज कौन थे?
फिर मैंने अपने मुझको नहीं पता, मेरे फादर से पूछा, उन्होंने कहा वृक्षराज नहीं वृक्षराज जाम वाला। तो फिर मैंने इससे कहा कि जाम थे, नहीं नहीं वो तो वृक्षराज थे वृक्षराज। फिर वापस गया, कई सारे लोगों से पूछा, बाद में उसने कहा लीजिए आपको बेवकूफ बना दिया, पाली के फादर का नाम वृक्षराज था।